सर ये कम से कम 19,999 रुपये डाउन पेमेंट पे आप गाड़ी ले सकते हैं। ओके 19,999 रुपये पे। अब बात करते हैं राइडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द मोटर एक्सपीरियंस। आज हम आपके लिए लाए हैं 2024 में जो लॉन्च हुआ है रॉयल इनफील्ड की तरफ से 650 शॉट गन। इस बाइक हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली रिव्यू करने वाले हैं और इतना अच्छे से रिव्यू करेंगे कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा चीज़ हम इसमें आपको डिटेल्स दे देंगे। उसके अलावा बात करेंगे इस पर फाइनेंस का, कितना कम से कम फाइनेंस कर सकते हैं, कितना ईएमआई इसका बनता है। उसके अलावा इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाएंगे, सीट कम्फर्ट बताएंगे, इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर बात करेंगे, इसमें कौन सा लाइट दिया गया और इसका जो इंजन सबसे बड़ा बात करें जो 650 का इंजन दिया गया, इसे कौन सा बाइक से लिया गया है, वो सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उसके अलावा इसमें कितना वेरिएंट आता है, तो वेरिएंट की बात करें इसमें तो आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं टॉप मॉडल आ जाता है और इसका प्राइस की बात करें एक्सोन प्राइस है 3,95,000 है, मिडल वाला है 3,92,000 है और इसका बेस मॉडल की बात करें तो 3,82,000 चला जाता है। कलर ऑप्शन की बात करें इसमें 4 कलर ऑप्शन मिल जाता है। ये जो आप कलर देख रहे हैं वाइट कलर है और इसमें एक और कलर आप बता दें तो उसका ड्रिल कलर है, ब्लू कलर है और इसमें एक और कलर आता है जो ग्रे कलर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात करते हैं ये इसका जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं पूरा बब्बर वाला डिज़ाइन मिल जाएगा। आप एक बब्बर बाइक ढूंढ रहे हैं अपने लिए और एक कस्टमाइज बाइक सोच लीजिए कि कस्टमाइज बाइक ही आपको चाहिए, आप बब्बर में ही चाहिए तो आप इसके तरफ जा सकते हैं। ये आपको एक अच्छा खासा बब्बर लुक देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसका कलर ऑप्शन देख लें तो व्हाइट ग्रे कलर का इसका कितना अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बैठाया गया है, पूरा साइन कलर है, आपको हर जगह साइन मिलेगा गाड़ी में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसके अलावा इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा खासा, इसका रोड प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। इतना कम से कम प्राइस में आपको बबर लुक देखने को मिल जाएगा, जो ज़बरदस्त फीचर इसमें लोडेड है। उसके अलावा बात करते हैं इसका व्हील वगैरह तो सारा जगह आपको ग्रे कलर मेंशन किया गया, पूरा इंजन देखे तो ब्लैक है। इस गाड़ी का फ्रंट हेड असेंबली की बात करें तो फ्रंट हेड असेंबली में देखेंगे तो ड्यूल शिफ्ट में इसका लाइट मिल जाता है और की इंस्टॉल करने के बाद इसका एक डाउन शिफ्ट वाला जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाता है। उसके अलावा इसका इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर आपको हैलोजन में मिल जाता है और यहाँ पर आरी का ब्रांड मिल जाता है लोगो। उसके अलावा बात करें इसका सस्पेंशन का, इसका सस्पेंशन आप देखें डिस्टिक फॉक सस्पेंशन 120 एमएम मिल जाता है और सस्पेंशन भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। उसके अलावा बात करेंगे इसका व्हील कवर का, तो व्हील कवर देखें पूरा मेल्ट मेटल में आता है। उसके अलावा बात करेंगे इसका व्हील साइज का, व्हील साइज आपको देख लेते हैं 18 इंच में इसका व्हील साइज मिल जाता है और ट्यूबलेस टायर के साथ मिलता है। अगर टायर सेक्शन की बात करें तो टायर सेक्शन आपको 100/80 18 इंच का अलावा व्हील्स और डिस्क बात करते हैं ड्यूअल चैनल एबीएस बाइबर का क्लैपर के साथ मिल जाता है 320 एमएम में। और यहाँ से आप देख लें इसका कलर, तो कलर देख लें बहुत अच्छा खासा डिज़ाइन में हुआ है और कलर देख रहे हैं हमेशा शाइनिंग कलर है, बहुत अच्छा शाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आरी का लोगो मिल जाएगा, हर जगह आरी का आपको बैजिंग मिल जाएगा। उसके अलावा देखा आरी का आरी, उसके अलावा देख लें यहाँ पे राइडर फुटेज पे हर जगह, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड हर जगह आपको आरी मेंशन किया गया है। उसके अलावा बात करते हैं साड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आप देखेंगे तो इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाता है। उसके अलावा बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल तो सेमी डिजिटल आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ जब गाड़ी कनेक्ट कीजिएगा तो ये सब फंक्शन दिखाएगा, अगर ऐसे देखेंगे तो ठीक तो लगेगा आपको सिर्फ क्लॉक है। उसके अलावा बात करते हैं गाड़ी में क्या क्या दिया जाता है। गाड़ी में फुल्ली लोडेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम ट्रिप एफ ट्रिप वगैरह। उसके अलावा गियर शिफ्टिंग गियर अभी देख रहे हैं, गियर 4 गियर में है तो वो भी दिखा रहा है। उसके अलावा इस गाड़ी में टाइम देखने को मिल जाएगा, रियल टाइम फ्यूल इंजेक्ट। उसके अलावा यहाँ देखें नीचे देखें तो इंडिकेटर फ्यूल गेज का, बैटरी का, एबीएस का, सर्विस इंजन इंडिकेटर। उसके अलावा इसको कंट्रोल करना होगा, यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे ऑडीमीटर दिखा रहा है, ट्रिप ए ट्रिप बी ट्रिप एफ ऑडीमीटर हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा इसका राइट हैंडल बात करते हैं, राइट हैंडल में आपको इंजन की स्विच हो गया, यहाँ से आपका सेल्फ स्टार्ट बटन हो जाएगा और यहाँ से आपका हजार्ड का स्विच हो गया। उसके अलावा बात करते हैं हाइट लो बीम पासिंग का हो गया, इंडिकेटर और हॉर्न क्लॉज करिए, क्लॉज एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा राइडिंग है तो आपको लूज चाहिए तो यहाँ से लूज कर ले, क्लॉज में भी है, ब्रेक में भी ऑप्शन दिया गया है, यही कुछ था। उसके अलावा इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप देखेंगे तो 13.8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है और यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो मिल जाएगा, E20 वाला ही आपको फ्यूल टैंक पे मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें इसका कैप देखें तो कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन में मिल जाता है, पूरा कैप यहाँ से ओपन हो जाएगा और इसका देख लें कुछ ऐसा देखने को आपको मिल जाता है। और बात करें गाड़ी का
माइलेज का था, माइलेज का आप डिपेंड करता है आप कैसा बाइक चला रहे हैं। अगर माइलेज निकाल कर देखें तो इसका माइलेज आपको 20 से 28 के बीच में मिल जाता है, और सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट आपको 795 mm मिल जाता है। और कार्ब वेट की बात करें, टोटल वजन कितना गाड़ी का, तो टोटल वजन आपको मिल जाएगा 240 kg। आप जानते हैं रॉयल एनफील्ड ऐसा एक ब्रांड है जो पूरा हर जगह आपको मेटल में ही गाड़ी प्रोवाइड करता है। इसका हर जगह आप देखेंगे तो मेटल यूज किया गया है। और इसका रियर सस्पेंशन देखें तो ट्यून सस्पेंशन मिल जाता है, एग्जॉस्ट देखें तो ट्यून एग्जॉस्ट मिल जाता है। शॉटगन 650 का एग्जॉस्ट साउंड, इसका एग्जॉस्ट आप जानते हैं दो ड्यूल एग्जॉस्ट आता है। चलिए इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं और कमेंट करके बताइएगा। इसका एग्जॉस्ट देख रहे हैं काफ़ी लाउड दिया गया। आज मैं आपको कवर करने वाले हैं 650 शॉटगन का ऑनर प्राइस। इसका ऑनर प्राइस है 435,385 रुपये। इस पर कितना कम से कम डाउन पेमेंट करके ये बाइक अपने घर लेके जा सकते हैं, सारा चीज़ सर कवर करेंगे। सर बताइए इस पर कितना कम से कम डाउन पेमेंट हो जाएगा? सर ये कम से कम 19,999 रुपये डाउन पेमेंट पर आप गाड़ी ले सकते हैं। ओके, 19,999 रुपये पे। अब बात करते हैं सर इसे कितना कम से कम अगर किसी को 12 महीने पे ईएमआई चाहिए, 12 महीने पे ईएमआई होगा? सर 12 महीने में अगर आप ईएमआई से करवाते हैं तो 38,618 रुपये आपका ईएमआई आएगा आपका। 24 महीने का सर? 24 महीने में 20,805 रुपये आएगा। 36 महीने? 36 महीने में 4,868 रुपये जाएगा। 48 महीने? 11,899 और 60 महीने का सर? 10,118 रुपये। 10,118 रुपये। बात करते हैं सर इस गाड़ी पे कोई ऑफर अगर है क्या बाइक पे? ऑफर का बात करें तो सर आपको कंपनी एक हेलमेट दे रही है इस गाड़ी पे, एक हेलमेट दे और एसेसरीज बाय द वे इसका लेते हैं तो सर आप अगर 5,000 का एसेसरी ले रहे हैं सपोज तो उसका 5% डिस्काउंट मिलेगा, और 10,000 ले रहे हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब इस बाइक पे 10,000 का अगर एसेसरी लेते हैं तो 10% 5,000 का लेंगे तो 5% का एसेसरीज पे हमको डिस्काउंट मिला। उसके अलावा इस पे एक हेलमेट मिला जी। हेलमेट का प्राइस लगभग क्या होगा सर? सर ये हेलमेट का प्राइस नहीं है, कंपनी नॉट फॉर सेल है। अच्छा नॉट फॉर सेल है, पैन इंडिया ही आती है। अच्छा पैन इंडिया, पूरा इंडिया में गाड़ी में कोई भी ले तो ले सकता? बिल्कुल, रॉयल एनफील्ड का ही हेलमेट रहता है। जी। बात करते हैं सर शोरूम का, डिटेल्स बता दें। शोरूम आपका कंकर बाग एनपी टावर हो गया सर। और अपना नंबर अपडेट कर दीजिए। जी सर मेरा नंबर हो गया 8789650004, कोटक महिंद्रा बैंक से हूँ सर, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। ओके सर, बात करते हैं अगर किसी को फाइनेंस कराना हुआ तो इसके लिए क्या क्या पेपर चाहिए? जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट भी रहते हैं, अगर स्टूडेंट को लो यहाँ पे फाइनेंस कराना होगा इस बाइक का तो क्या क्या पेपर लेकर आना पड़ेगा? सर उसके लिए कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता, बस आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट चाहिए होता है, और ATM चाहिए होता है, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है, और अगर कस्टमर पटना के लोकल है तो पटना का एक लोकल आईडी प्रूफ चाहिए होता है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पटना का बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा में खोल सकता हूँ, उसके बाद में गाड़ी दे सकता हूँ। ओके सर, बात करते हैं अगर किसी को गैस पे लेना होगा, गैस पे लेने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा? कैश में कुछ नहीं सर, बस आधार कार्ड, पैन कार्ड लाइए, गाड़ी लेकर जाइए, जो पेमेंट है वो अपना कैश, डेबिट कार्ड, चेक, जैसे भी करना चाहते हैं वो जो भी मैटर है, पेमेंट कीजिए, गाड़ी लेकर जाइए। ओके थैंक यू सर, आज हम लोग कवर कर दिए इसका कितना कम से कम डाउन पेमेंट होता है, सारा चीज़ हमने कवर कर दिया। अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो शोरूम का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, भैया से एक बार जरूर संपर्क कीजिए, भैया का नाम जो है हम लोग मेंशन करते हैं, भैया नाम क्या है? दीपक, दीपक नाम वर्मा है, आप मेंशन कीजिए, बात कीजिए भैया से, भैया बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं आप, और फाइनेंस कराइए। इसका इंजन का बात करते हैं, इसका इंजन इसमें हम देखेंगे तो इसके इंजन में आपको डबल सिलेंडर 4-स्टॉक एयर ऑयल कूल्ड SOHC के इंजन मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी का अगर मैक्स पावर की बात करें तो मैक्स पावर आपको 46.39 NM, और इस पर RPM की बात करते हैं 7250 का RPM जनरेट करके दे देता है। उसके अलावा टर्क की बात करें तो इसका टर्क आपको 52.5 NM, और RPM की बात करें तो 5650 का टॉर्क RPM जनरेट करके दे देता है। उसके अलावा बात करेंगे इसका इंजन का, तो इसका इंजन आप देख रहे हैं फुल्ली ब्लेड में ब्लैक कलर में मिल जाता है, फुल्ली लोडेड इंजन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके अलावा इसमें हॉर्न देख ले, इसमें सिंगल हॉर्न मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 140 mm मिल जाता है। और इंजन की बात करें तो इसका इंजन आप जो देख रहे हैं मेट्रो जो 650 आता है, या इंटरसेप्टर यहाँ पर लगा है 650, या जो GT कंट्रोल आता है, वो हम जो बता रहे हैं इंजन सेमी इंजन यूज़ किया गया, इसमें जो इंजन दिया गया है मेट्रो है 650 सारा का वही इंजन है, बट इंजन का बात वही है कि थोड़ा सा रिफाइन और करते करते इसका इंजन जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रिफाइन इंजन हो गया है। इसके अलावा इसमें वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। रियर सस्पेंशन आप देखते हैं, रियर सस्पेंशन आपको ट्यून सस्पेंशन मिल जाता है। और डिस्क बात करें तो फाइबर के क्लिपर के साथ इसका डिस्क मिल जाता है। और डिस्क साइज की बात करें तो डिस्क साइज आपको 300 mm मिलने वाला, रियर डिस्क आपको 300 mm मिल रहा है। सोच सकते हैं इसका ब्रेक सिस्टम कितना अच्छा खासा दिया गया। और टायर की बात करें तो टायर आपको 150x70 और 17 इंच के अलावा, और कंपनी की बात करें तो टायर कौन सा कंपनी में इसमें यूज किया गया तो सीएट कंपनी का टायर यूज किया गया दोनों साइड।
और इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल से दिखाते हैं। रियर प्रोफाइल देख लें, यहाँ पे हैलोजन सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर भी हैलोजन, यहाँ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लग गया, यहाँ पर रिफ्लेक्टर हो गया। उसके अलावा बात करें गाड़ी का लेफ्ट प्रोफाइल से, लेफ्ट प्रोफाइल से देख लें तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर साड़ी गार्ड भी बोल सकते हैं। उसके अलावा इसका एग्जॉट देख लें तो ड्यूल एग्जॉट मिल जाता है। उसके अलावा पूरा मैट फिनिश दिया गया भाई साहब, बवाल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें सिंगल सीट है गाड़ी में, अगर डबल सीट लगवाना चाहते हैं तो आपको डबल सीट बता दें तो डबल सीट कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। कंपनी फिट और फिनिश के साथ मिल जाएगा। गाड़ी का लेफ्ट और राइट बैक पैनल का बात करें तो देख लो व्हाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा। 652 ट्विन शॉटगन दोनों साइड आपको मेंशन किया गया। और बात करें तो देख रहे हर जगह आपको ग्लोसी ब्लैक और मैट फिनिश ब्लैक का कॉम्बिनेशन बैठाया गया। उसके अलावा यहाँ पे इसका इंजन देख ले तो इंजन पर हर जगह आपको ब्लैक ही ब्लैक, ग्लोसी ब्लैक हो या मैट ब्लैक हो मेंशन किया गया है। और नट बोल्ट की ही सिर्फ बात करें जो आपको व्हाइट कलर को दिखने को मिल जाएगा, नहीं तो हर जगह आपको ब्लैक ही ब्लैक दिखने वाला जो अच्छा खासा प्रीमियम सेगमेंट में चला जाता है। उसके अलावा गियर बॉक्स की बात करें, इसका गियर बॉक्स एक डाउन होता है, उसके अलावा फाइव ऑफ हो जाता है। उसके चैन कवर की बात करें तो चैन कवर आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, सिंगल चैन कवर यूज किया गया है यहाँ पे आप देख लें। और उसके अलावा गाड़ी की बात करते हैं तो फ्रंट में कुछ ऐसा आपको देखने को लुक जबरदस्त, फिट और फिनिश और वर्क का पूरा लुक आपको देखने को मिल जाएगा।